सड़क की हालत देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, जगह जगह पे गड्ढे भाई। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नया अपडेट हो गया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत हो गया है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो बिल्कुल नया। अभी हम नए पेट्रोल पंप में जाके तेल भरेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। तो दोस्तों मैंने अभी 100 रुपये का पेट्रोल टॉप अप करवा दिया हुआ है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे। 5 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूटर ब्रेक डाउन है जो कि काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और देख सकते हैं भाई जगह जगह पे रास्ते बहुत ख़राब है, तो अभी आगे का प्लेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई पहाड़ियाँ वगैरह टूट के ना बहुत ज़्यादा सड़क के मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलो, तो यहाँ पे देखो गड्ढे ही गड्ढे भाई, यहाँ पे ना बड़ा मुश्किल होता है, झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई जगह जगह पे। एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे जाके झटका ना मिले, तो जगह जगह में झटका 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 भाई। देख सकते हैं बहुत सारे गड्ढे हैं और मैं अभी इसको ओवरटेक करूँगा और आगे निकलूँगा फटाफट से। तो ये पहुँच गए हैं हम बाज़ार, तो बाज़ार के नज़ारे देख सकते हैं। बाज़ार में भी भाई गड्ढों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, तो हर जगह पे देखने को आपको गड्ढे ही गड्ढे मिल रहे भाई। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी ना यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसके वजह से सड़क में बहुत सारे गड्ढे दिख रहे हैं आपको। तो चलो छोड़ो भाई, अब रोड में गड्ढे नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे, तो चलते हैं आगे की ओर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ उन्नू महादेव, जहाँ की गर्म पानी का स्रोत है ज्यूरी। एंड भाई यहाँ पे तो रोड का बुरे हाल है भाई, आइया ओ। तो ये जो आगे का सड़क है यहाँ से, तो भाई अभी जो ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा है तो ये है गानवी जगोरी खांचा नंती वगैरह का रोड, यहाँ से जाता है। तो और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर को पुलिस स्टेशन है भाई, और गड्ढों की तो कमी नहीं है, देख सकते हैं बहुत सारे गड्ढे जगह जगह पे। तो अभी चलते हैं और राइड का मजा लो दोस्तों। तो जैसे हम लोग यहाँ पे भगाया करते थे ना बाइक, वैसी फीलिंग नहीं है भाई, छोटे छोटे रोड ही ना जगह जगह पे है, अगर मैं ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करूँगा तो भाई स्किट हो जाएगा और पता है आपको। तो अभी हमको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, नॉर्मली हल्के स्पीड में चलेंगे जितना अपना चल पाता है बाइक। और गिल्ला जो सड़क है इसमें हम लोग मतलब फुल स्पीड में नहीं चला सकते दोस्तों, अगर फुल स्पीड में आप चलाते हो तो आपको फुल स्पीड में आप रोक नहीं पाओगे, तो मतलब इसमें ना टू व्हीलर स्किट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अभी देख सकते हैं सड़क का काम साइड साइड से हो भी रहा है, और भाई राइड के मज़े लो, राइड का मज़ा। तो गड्ढे भाई क्या ही बोले, ऑफ रोड है गाइस, पूरा जो NH है ना, NH भी अभी बरसात के कारण ना ऑफ रोड हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि भाई ये NH है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं का लिंक रोड है। तो देख सकते हैं पहाड़ी पूरे टूटी हुई है और सड़क में गड्ढों की कमी नहीं है। तो चलो कोई ना भाई, तो यार आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, तो शायद से पता नहीं क्या है, देखते चलो आगे। तो यहाँ पे पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, ऐसा सड़क होना चाहिए ना गाइस, थोड़ा सूखा सूखा, तो थोड़ा फीलिंग भी आता है भाई बाइक चलाने को। तो अभी तो आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, अभी हमको भी रुकना पड़ेगा शायद से, तो देखते क्या सीन है भाई, यार बाइकें क्रॉस हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है।
तो लगता है यहाँ पे सड़क का काम चला हुआ है। ओ भाई पूरा देख सकते हैं चट्टाने कितने टूटे हुए, ऊपर से चट्टान टूट के आए हुए भाई। ओहो ये तो हमारी जेन चली हुई है मिस्टर आशु। तो क्या सीन है यहाँ पे। तो चलो हमारे लिए तो जगह मिल गया, और बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है तो इनके लिए शायद से आगे रास्ता नहीं होगा यहाँ पे। तो चलो भाई जैन के पीछे पीछे निकलते, हमारे लिए भी सड़क मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे शायद से खुला है सड़क। अरे ये तो रुक गए यहाँ पे, मैं चलता हूँ आगे। क्या सीन है भाई, बहुत खतरनाक पॉइंट है और यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। तो अभी हमारी बाइक तो निकल गई भाई, और बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे फंस गई है। और चलो भाई अपने लिए रास्ता मिल गया तो निकलते फटाफट। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे शायद बदहाल है, और वहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं वापस हो जाऊँगा। वापसी में कहीं ऐसा ना हो कि भाई सड़क ब्लॉक हो, तो देखते हैं जैसा भी होता है। अभी थोड़ा रोड साफ मिल रहा है, तो ये रोड ठीक है भाई। तो भाई देख रहे हो पूरा रोड में पानी चला हुआ है, और रोड पूरा गीला है, और देख सकते हैं बाहर से ऊपर से जो भी स्लाइड आ रहा है और वहाँ का जो भी पानी आ रहा है, तो रोड में चला हुआ है सारा पानी। तो रोड बल्कि यहाँ ठीक है, और थोड़ा नमी भरा हुआ सड़क है। तो चलते हैं भाई। अरे थोड़ी देर अच्छा रोड आता है, उसके बाद फिर दोबारा ऑफ रोड। तो बरसात में ना पूरा रोड मतलब नक्शा ही चेंज हो जाता है पूरे रोड का। ओ तो यहीं पे कहीं मुझे बुलाया हुआ था, तो देखते हैं। यहाँ पे रोड पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे काम करना है भाई पता नहीं, पूरे रोड में पानी चला हुआ है। एंड यहाँ पे तो नहीं, शायद से आगे वाला स्टेशन है, यहीं पे है शायद से। यही तक आया था ब्रेक डाउन यार, इधर वो नहीं करने ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करने। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं करने इधर, कहाँ चले। कैन छोड़ रहा है चाबी का, कैबिन में। तो दोस्तों जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैंने कर दिया हुआ है। स्कूटर हो गई है स्टार्ट, तो अब चल रहे हैं वापस ज्यूरी की ओर। तो चलते हैं ज्यूरी की ओर। रास्ता मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है। तो यहाँ पे देखो पूरा पहाड़ी नीचे आया हुआ है भाई।
तो ये जो सड़क की हालत आप देख रहे हैं ना, ये NH5 है, किन्नौर के लिए सड़क यहीं से जाती है। तो मतलब पूरा भाई पूरा ख़राब है अभी। तो पत्थरे देख सकते हैं भाई, ऊपर ऊपर से पत्थर आए हुए, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए। जो किन्नौर वगैरह जाते हैं गाड़ियाँ, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो चलो भाई, वो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आती है बाइक चलाने को, और जहाँ पे ऑफ रोड हो वहाँ पे तो भाई क्या ही बोले। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सड़क जाम है। मैंने बोला था कि भाई सड़क जाम होने वाला है वापसी में, क्योंकि काम चला है ना, आगे JCB लगी हुई है एंड मशीनें वगैरह लगे हुए, तो ऊपर से चट्टान गिरा हुआ है उसको हटा रहे अभी। तो निकलता हूँ मैं बाइक के लिए, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है और निकलते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हम जा पाते या फिर नहीं जा पाते। तो शायद से बाइक वाले भी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो देखते हैं मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ। क्या सीन है तो भाई, पर ऐसे गाड़ी आ रही है इसका मतलब सड़क खुल रहा है, तो भाई फटाफट निकलेंगे हम। चलो 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 भाई, ऊपर से पत्थर ना आ जाए। चलो भाई चलो चलो चलो, ओ भाई आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, सिंगल सिंगल गाड़ियां क्रॉस हो रही है फिलहाल। अभी मैं ऐसे जगह में रुक गया हूँ ना, तो भाई ऊपर से पूरा पहाड़ आ सकता है, तो डर भी लग रहा है अभी। तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, मुझे भी जाने दो। क्या सीन है यार। चलो भाई हम चलते हैं भाई, पुलिस भी है आगे। इतना बड़ा पत्थर आया हुआ है, तो चलो यार हमने कर दिया है क्रॉस। एंड तो देखा आपने भाई किन्नौर वाला सड़क के हालत क्या हाल है अभी। तो ये अभी ज्यूरी में ही, ज्यूरी से थोड़ा आगे स्लाइडिंग पॉइंट है, वहाँ पे स्लाइड हुआ है जगह। एंड देख सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ सारी रुकी हुई है, आगे के लिए जा नहीं पा रही है अभी। जब रोड खुलेगा उसके बाद ही गाड़ी आगे जा पाएगी। तो हम तो निकल गए, तो चलिए दोस्तों हम तो निकल गए यहाँ से। तो टू व्हीलर होने का ना कुछ तो फ़ायदा होता है। एंड अभी यहाँ देखो, अभी ये दो आ रहे हैं और यहीं पे फंस जाएंगे इंडियन ऑयल, क्योंकि आगे सड़क है नहीं। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ज्यूरी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।